हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में रही। मेरे बहुत से दर्शकों ने बार बार ये अपील भी की कि हम उस पर एक रिव्यू लिखें। दोस्तों, मैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच देखने की हिम्मत रखते हैं और गलत को गलत कहने की ताकत आप में है, तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। लेकिन आज का ये वीडियो मैंने कश्मीर फाइल्स के रिव्यू पर नहीं, बल्कि कश्मीर के इतिहास से जुड़ी एक कहानी पर बनाया है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसके स्टार्टिंग सीन में एक्टर दर्शन कुमार, जो कि कृष्णा पंडित का किरदार निभा रहे हैं, वो अपने प्रोफेसर से बट मजार की कहानी पूछते हैं, लेकिन प्रोफेसर इसे टाल देती है। फिल्म में भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये नाम काफ़ी अजीब लगा क्योंकि बट कश्मीरी पंडितों का सरनेम है और मजार तो दफनाने के बाद बनती है। तो फिर कश्मीरी पंडितों की मजार सुनकर मैंने इसे गहराई से समझना चाहा। इस कहानी को मैंने लगातार खोजा, कभी YouTube, कभी Google पे, काफ़ी खोजबीन के बाद जाकर आखिरकार एक ब्लॉग पोस्ट मेरे हाथ लगा। इस ब्लॉग पोस्ट में एक किताब के हवाले से बट मजार की जो कहानी लिखी गई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस किताब का नाम है इनफिडेल नेक्स्ट डोर, जिसका हिंदी अर्थ है एक काफिर मेरा पड़ोसी। काफिर अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा या कुरान को ना मानने वाला। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर गैर मुस्लिमों के लिए किया जाता है। ब्लॉग की शुरुआत के कुछ लाइंस में लिखा गया है कि हाल ही में मनोचिकित्सक डॉक्टर रजत मित्रा का उपन्यास इनफिडेल नेक्स्ट डोर अर्थात एक काफिर मेरा पड़ोसी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह ही कश्मीर की कहानी बयां करता है। इस उपन्यास में भी एक नायक है जिसका नाम है आदित्य और जो एक कश्मीरी पंडित है। आदित्य बनारस में रहता है और अपनी पहचान पाने के लिए वो कश्मीर आता है। वो कश्मीर पहुंचते ही बट मजार पर जाता है, जहां जाकर वो असहज हो जाता है और फिर प्रोफेसर बेग बट मजार पर एक लेख लिखते हैं। बट मजार, कश्मीरी पंडितों का भूला बिसरा इतिहास। इस लेख की शुरुआत में लिखा गया है कि जब मानव चेतना मौन हो जाती है तब स्मृति इतिहास को आगे ले जाती है। आगे लिखा गया है कि आज के कई लोगों ने बट मजार के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ये अजीब शब्द दो नामों से मिलकर बना है, बट और मजार, यानी कि हिंदुओं की कब्रगाह। लेकिन सवाल ये आता है कि डल झील के बीचों बीच बनी इस जगह का नाम इतना अजीब क्यों है? हम में से न जाने कितने ही लोग हैं जो कश्मीर के शालीमार बाग और बाकी जगहों पर जाते समय इसी बट मजार से होकर गुजरते हैं, मगर जब उन्हें ये पता चलेगा कि पठान काल में हिंदुओं को यहाँ पर जबरन धर्म बदलने के लिए लाया जाता था और जब वे तैयार नहीं होते थे तो उन्हें टापू में जिंदा दफना दिया जाता था, तो क्या डल झील के बीचों बीच एक कब्रगाह को देखकर लोग रुक जाएंगे? क्या उनकी आंखों में आंसू आएंगे? क्या उन्हें परवाह होगी कि कश्मीर में ऐसे भी कोई जगह है? इस लेख में आगे लिखा गया है कि उस दौर में पंडितों का धर्म बदलने के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे। उन्हें झील में डुबो दिया जाता था, उनकी जनेऊ काटकर ढेर लगा देते थे, परिवारों को एक साथ भूखा प्यासा चलाया जाता था और उनकी स्त्रियों को यौन गुलाम बनाया जाता था। कहते हैं कि जब 15वीं सदी में कश्मीर पठानों के अधीन आया तब यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। पठानों को लगा कि कश्मीर में इतने सारे हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ होना कश्मीर का अपमान है। कहा जाता है कि उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। वे सभी परिवारों को धकेल कर एक टापू पर ले गए और उनसे कहा कि या तो अपना धर्म बदल ले या फिर जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाए। मगर सवाल ये आता है कि उन्हें मारने के लिए इतनी दूर क्यों लाना? वे उन्हें वहां पर भी तो मार सकते थे। इस पर रैनवाड़ी के एक कश्मीरी पंडित ने एक पत्रकार को कहानी बताई कि वो मुख्य जमीन थी और वो नहीं चाहते थे कि उस जमीन पर खून खराबा हो। अगर इतने लोग वहां मारे जाते तो वहां एक बड़ी कब्रगाह बन जाती। उन दिनों में यह परंपरा थी कि लोगों को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया जाता था और उनके सिर को बाहर छोड़ते थे ताकि उनकी आंखों में अंतिम समय तक आतंक दिखता रहे। वे उनकी आंखों में डर देखना चाहते थे। आगे लिखा गया है कि डल झील के आसपास के सभी टापुओं का नाम किसी न किसी सुंदर जगह के नाम पर है, जैसे सोइन लेक या रॉफ लेक। एक कहावत भी है कि सूरज की किरणें सबसे पहले एक टापू पर पड़ती है, जिस वजह से उसका नाम सोइन लेक पड़ा। मगर बट मजार के मामले में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लेख की आखिरी लाइन में लिखा है कि क्या आने वाले समय में कश्मीर के पंडितों के इस बलिदान को भी याद रखा जाएगा? इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि कश्मीर में पंडितों का नरसंहार केवल कुछ लोगों की यादों में बसा है। लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं क्योंकि बाकी लोग सबूत मांगते हैं और जब वह उन्हें कोई लिखित सबूत नहीं दे पाते तो उन्हें झूठा कहा जाता है।
मगर जब सबूत के तौर पर सिर्फ यादें ही रह जाए तो दुनिया को क्या दिखाया जाए। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्यों किसी ने इस बारे में नहीं लिखा। इसके बारे में लिखने का मतलब था कि सर धड़ से अलग हो जाना। इस ब्लॉग में आगे लिखा गया है कि उपन्यास यानी नॉवेल के नायक आदित्य कहते हैं कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 300 साल पहले की है। मेरे पूर्वजों का सर धड़ से इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम में मतांतरित होने से इनकार कर दिया। उसके बाद मेरे पूर्वजों ने यहाँ वापस आने का साहस नहीं जुटाया। क्या ये एक सबूत नहीं है? जब मैं यहाँ लौटा तो मेरा पत्थरों से स्वागत किया गया। मुझे बार बार ये एहसास दिलाया गया कि ये जमीन मेरी नहीं है। क्या मैं यहाँ बैठूं और इसके बारे में लिखूं, या फिर मैं ये सोचूं कि मैं जिंदा कैसे रहूं? मेरे लिए मेरे मंदिर के टूटे खंभे ही प्रमाण हैं। मेरी जड़ों की कहानी जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है वो प्रमाण है। और क्या ये सच नहीं है कि मेरे लोग इस जमीन से 6 बार पहले भी खदेड़े जा चुके हैं, क्योंकि उनका धर्म अलग था। हर बार जब वे भागे तो उनकी आत्मा कई बार मरी। जब मैंने कश्मीर की सड़कों पर चलना शुरू किया तो मैं लोगों से सुनता था कि अंतिम पलायन होने वाला है, जो इस जमीन से पंडितों को एकदम बाहर फेंकने का अधूरा काम पूरा कर देगा। फिर कश्मीर पूरी तरह इस्लामिक हो जाएगा। हर किसी ने इसे हमारी जमीन का अंतिम सच समझ लिया। क्या कोई पूछेगा कि सबूत क्या है, उसे पहले लाओ? इस नफरत और हिंसा वाले माहौल में जब कश्मीरी पंडितों का सारा इतिहास ही मिटा दिया जाएगा तो सच का सबूत दिखाने के लिए आखिर रह कौन जाएगा? लोग ये भूल जाते हैं कि यादें ही हैं जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। इस ब्लॉग की अंतिम लाइनों में समझाया गया है कि बट मजार आखिर है क्या। दरअसल कश्मीरी भाषा में बट का अर्थ होता है पंडित, और बट मजार यानी कि कश्मीरी पंडितों को मारने की जगह। कत्ल किए गए सैकड़ों पंडितों को यहाँ सामूहिक रूप से दफनाया जाता था। ये जगह आज भी कश्मीर में मौजूद है, जो कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की याद दिलाती है। आज़ादी से पहले कश्मीरी पंडितों के साथ धर्म परिवर्तन के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो दर्दनाक था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज़ादी के बाद भी हालात नहीं बदले। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया। इनके कातिल आज भी जिंदा हैं और खुद को फ्रीडम फाइटर बताते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि उस दौर की दर्दनाक कहानी को ना किसी ने दिखाया और ना ही किसी ने सुनाया, और जिसने सुनाया उससे सबूत मांगे गए। इतिहास के पन्नों में से ये एक कहानी हम आपके लिए निकाल कर लाए थे दोस्तों, लेकिन कश्मीर से निकलकर ऐसी ही हजारों कहानियां सामने आना अभी बाकी है। हम लेते हैं आपसे विदा, पर जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़कर जाइएगा। धन्यवाद।